हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। ये है न्यूट का कैरेट सीड हेयर शैम्पू और ये है कैरेट सीड हेयर कंडीशनर। तो अभी कुछ दिनों से मैं ये न्यूट के कैरेट सीड जो रेंज है उसके प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। इनके बॉडी लोशन का और फेस वॉश का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो अभी कुछ दिनों से मैं इनका शैम्पू कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। कैसे यूज़ करना है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और मुझे ये कैसे लगे, ये सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। तो आप भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शैम्पू के बारे में। तो जैसे कि पैकेजिंग आप देख सकते हो, बड़ी प्यारी सी पैकेजिंग है, ऑरेंज कलर का ये पैक है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। और ये है बॉटल, 300 ml का बॉटल है और पम्प बॉटल है, स्टॉपर के साथ है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी दिया हुआ है पाउच, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। तो कैरेट सीड जैसे कि स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे ही बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये नेचुरल पावर हाउस है विटामिन ए का, इसमें अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, कैरेटिनोइड्स होते हैं, कैरोटीन्स होते हैं जो कि बालों को हेल्दी बनाते हैं, शाइनी बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि स्कैल्प पे इन्फेक्शन हो जाता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई है, इचिंग की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स को ये शैम्पू दूर करता है। साथ ही साथ बालों को शाइनी बनाएगा, लंबा बनाएगा, बालों को टूटना कम करेगा, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है उनको भी ठीक करता है। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो बालों की जो ड्राइनेस है ना उसको कम करता है और ड्राइनेस के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बालों में, जैसे कि टूटना, झड़ना, स्प्लिट एंड्स होना, ये सब ड्राइनेस के कारण होती है। तो ये ड्राइनेस को कम करेगा, फ्रिजीनेस को कम करेगा और बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सारे हेयर टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं। की इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें कैरेट सीड्स ऑयल का यूज़ किया गया है, साथ ही साथ फेनिग्रिक एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया गया है और फेनिग्रिक तो बहुत अच्छा होता है बालों की ग्रोथ के लिए, और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है जिससे कि ये बालों को नरिश करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं जो कि बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और जैसे कि हम नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं वैसे इसको यूज़ करना है। आप गीले बालों में इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर डाइल्यूट करके इसको यूज़ कीजिए। मैं शैम्पू को हमेशा डाइल्यूट करके यूज़ करती हूँ। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको वीक में 2 बार कम से कम ट्राई करो तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बालों की हेल्थ अच्छी होगी। शैम्पू के बाद हर किसी को कंडीशनर यूज़ करना ही चाहिए, तो इनका कंडीशनर भी है, ये भी कैरेट सीड से मिलकर बना हुआ है। इसमें कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट है, सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया गया है, विटामिन ई यूज़ किया गया है जो कि बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और डीप कंडीशनिंग प्रोवाइड करेगा, बालों में शाइन प्रोवाइड करेगा, बालों में टेंगल होंगे तो टेंगल को दूर करेगा, बालों को टेंगल फ्री, फ्रिज फ्री बनाएगा। और क्योंकि इसमें कैरेट सीड्स हैं तो जो भी पॉल्यूशन के कारण और यूवी रेस के कारण बालों में जो डैमेज होता है उससे भी ये आपका प्रोटेक्शन करता है। कंडीशनर को लगाने की बात करूँ तो शैम्पू जब आप कर लेते हो पानी को अच्छे से निकाल लीजिए और इसको अपनी लेंथ पे लगा लीजिए। स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए, आप अपने लेंथ पे लगाइए। और अगर आप 2-3 मिनट तक लगा के रखेंगे तो उतना असर नहीं करेगा, पर अगर आप 10 से 15 मिनट तक सिंसियरली इसको लगा के रखते हैं कंडीशनर को तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, बालों को शाइनी बनाएगा, टेंगल फ्री बनाएगा, फ्रिज फ्री बनाएगा। तो हमेशा कंडीशनर को कम से कम 10 से 15 मिनट तक लगा के रखो और फिर वॉश कर दो। ये शैम्पू के साथ जब आप एक कंडीशनर को यूज़ करते हो तो कमाल का काम करता है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको जब इन दोनों को आप साथ में यूज़ करोगे। और मुझे तो बहुत पसंद आए ये दोनों प्रोडक्ट्स ही और मैं इनको काफ़ी दिनों से यूज़ भी कर रही हूँ। आप भी एक बार इनको ट्राई करके देखो, परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।